डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, एनसीईआरटी का ये मैथ है क्लास सिक्स का एक्सरसाइज 7.3। तो इसके पहले जितने भी एक्सरसाइज है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन दिया हुआ है मैं इसको आपको पार्ट बाय पार्ट करके सॉल्व करके देता जाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स और यहाँ पर क्या कह रहा है, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। यहाँ पर चेक करने के लिए कह रहा है कि क्या ये जो दिया हुआ फ्रैक्शंस है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, या पेयर में दिया हुआ है ये हो गया, इसका इक्विवेलेंट है या नहीं है वही चेक करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, इसको चेक करते हैं। ए नंबर में दिया हुआ है 5/9 और 30/54। तो यहाँ पे 5/9 जो है ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये कटने वाला नहीं है, तो जो कटने वाला है उसको हम साइड में इधर काटते हैं, देखते हैं कि उसके इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर 30/54, ठीक है, सबसे पहले 2 से कट रहा है तो इसको 2 से काट लेते हैं। यहाँ पे 15 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4 और यहाँ पे 1 बच गया, तो 2 7 जा 14 इतना बार में गया। अब ये किससे कटेगा, 3 से कट रहा है तो 3 से काट लेते हैं, 3 3 5 जा 15 और यहाँ पे 3 9 जा 27। इसका मतलब कितना आ गया, ये 5/9 और 5/9 जो है यहाँ भी 5/9 है, इक्वल मिल गया, इसके मतलब इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट लिख देते हैं, इक्विवेलेंट, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ बी नंबर में 3/10, ये जो है ऑलरेडी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये कटने वाला नहीं है, ये कटेगा तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, 12/50। तो ये सबसे पहले किससे कटेगा, 2 से कट रहा है तो काट देते हैं, 6 हो गया और यहाँ पे 25। अब क्या है इसमें, अब जो है ये कटने वाला नहीं है क्योंकि ये 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, लेकिन ये सिर्फ 5 से कटेगा। इसका मतलब इसका फ्रैक्शन आया 6/25, तो ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि नॉट इक्विवेलेंट। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट इक्विवेलेंट, ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है और ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये दोनों ही प्राइम नंबर है और ये दोनों ही प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर किससे कटता नहीं है, तो कटने वाला है नहीं, तो इसका मतलब है कि ये नॉट इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और यहाँ पे 7 नंबर में दिया हुआ है रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पर जो फ्रैक्शंस दिया हुआ है इसको रिड्यूस करके, मतलब काट के सिंपलेस्ट, मतलब सबसे कम जो इसका फ्रैक्शन बनेगा उसमें लाना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैंने लिखा है, फर्स्ट में यहाँ पे दिया हुआ 48/60, तो इसको हम इधर करके इसको रिड्यूस करते हैं, छोटा करते हैं इसको, यहाँ पे लेते हैं 48/60, ठीक है। अब यहाँ पे इसको काटते हैं तो ये बड़ा टेबल से अगर काटता है तो बड़ा टेबल से काट सकते हैं, तो 12 का टेबल करते हैं, 12 4 36 12 4 48 12 5 60, तो 12 का 12 24 12 36 12 4 48, तो 12 4 48 हो गया और 12 5 60, इससे ज़्यादा जाने वाला नहीं है, ये प्राइम नंबर है, इसका मतलब है कि ये इसका आंसर कितना बार में आ गया, 4/5, ये इसका आंसर हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको काटते हैं, तो इसको काटने में क्या है, यहाँ पे 150/60, ये 0 काट दिए, 0 काट दिए सबसे पहले, और यहाँ पे 3 का टेबल से कटेगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, इससे छोटा नहीं होगा, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया, 5/2, ये हो गया, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद सी नंबर में 84, इसको किस तरह से कटेगा, 84/98, ये सबसे पहले हम इसको 2 से काट लेते हैं, तो यहाँ पे या फिर 14 का टेबल में क्या ये दोनों आता है, तो 14 14 28 44 56 74 74 84 76 84 6 बार में 14 6 जा 14 6 84 हो गया और 14 7 98, इसका मतलब है कि 6/7 हो जाएगा, 6/7, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये हो जाएगा और ये इसका आंसर होगा। डी नंबर में दिया हुआ है 12/52, तो ये किससे कटेगा, इसको काटते हैं, पहले 2 से काटते हैं और यहाँ पे हो गया 6 6 बार में कटेगा,
सिक्स टू जै ट्वेल्व, और यहाँ पे हो गया टू टू जै फोर, यहाँ वन बच गया, टू सिक्स जै ट्वेल्व, इतना हो गया 26। अभी भी कट रहा है टू से, तो टू से टू थ्री जै सिक्स हो गया, और यहाँ पे कितने बार में हो गया 13 टू जा 26 होता है, तो 13 हो गया। मतलब है कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 3/13, ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें इसमें 7 का टेबल में 28 आता ही है, तो 7 4 जा 28, इसको डायरेक्ट काट लेते हैं 4 बार में, तो ऊपर में कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, इसका मतलब है ये आ गया 1/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया।